नहीं है, दुर्गा है, मैं इनको साष्टांग प्रणाम करता हूं। ऐसे परिवार के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और यदि उन्होंने कह दिया, पूरी दुनिया जानती है आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, लोग भारत का की खबर वैसे भी देखते हैं रोज जो यहाँ से छपती है, वहां उन्होंने एक डिबेट में यदि ये बात कह दी कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, तो लोकसभा के अंदर विधानसभाओं के अंदर तो माइक बंद हो रहे हैं और बोलने नहीं दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला, मुद्दा यह है कि अडानी घोटाले से ध्यान कैसे हटाया जाए, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, 4-5 लाख करोड़ रुपए, तो ये तो आम नागरिकों के डूब गए भारत के। तो आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के लोगों राहुल गांधी को जितना टारगेट करोगे उतना आपको नुकसान होगा। मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं कि जितनी ये जंग चली है लोकसभा में और पूरी बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है और कह रही है माफी मांगिए, देश में चर्चा है जिन लोगों ने 15 लाख और अच्छे दिन के लिए कभी माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, जिन्होंने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए बीजेपी के लोगों ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे अब और नई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार वो केंद्र में आ गए, 8 साल हो गए लेकिन बेरोजगारी जबरदस्त है, हर एक घंटे में 4-5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, भूख और गरीबी जबरदस्त है, उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जे माफ बीजेपी कर देती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को नहीं चलने दे रही। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठा हुआ दल भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा को चलाने की, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अरे भाई, आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के जरिए लोगों के घरों पर रेड डाल रहे थे, डरा रहे थे, अब वो डर तो मिट गया क्योंकि जनता में ये हो गया कि ये एजेंसियां तो राजनीतिक एजेंसियां हैं जो बीजेपी का काम कर रही है। अब आप लोकसभा में खुद विपक्ष की भूमिका में आ गए तो बीजेपी के लोगों जवाब दे दो, खुद भी बता दो महंगाई के लिए आपने क्या किया।